आज नवरात्र का पांचवा दिन है और भारत भर में स्कंद माता का पूजन हो रहा है। स्कंद माता जिसकी गोद में बालक स्कंद दिखाया हुआ है, इसीलिए उन्हें स्कंद माता कहा गया है। नारी का ये स्वरूप जब वो जन्म देती है एक बालक को, तो कहा जाता है एक बालक के जन्म के साथ नारी का भी एक नया जन्म होता है, जहां उसके अंदर संपूर्ण परिवर्तन आता है। ममता जागृत होने लगती है, वात्सल्य भाव जागृत होता है और स्नेह की शक्ति के आधार से वो अपने बच्चों को सुसंस्कारित करने लगती है। एक नारी जब मां के रूप में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात वही स्कंद माता है जिसकी पूजा लोग नवरात्र में करते हैं। कहा जाता है कि मां स्कंद की पूजा करने से परिवार के अंदर आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो इसीलिए ये स्वरूप भी नारी का इतना सम्माननीय। आदतों के शिकार हो जाते हैं और फिर उसके बाद कितना भी उन बच्चों को वापस लाने का प्रयत्न करें, तो भी वो बच्चे उस बुरी आदतों से वापस नहीं आते हैं। नवरात्र का ये पांचवा दिन हमें बहुत बड़ा संदेश दे रहा है
कि अपने बच्चों की जिम्मेवारी, उसको संस्कार देने की जिम्मेवारी, उसकी स्नेह से पालना देने की जिम्मेवारी को निभाना है, ताकि एक बहुत सुंदर सृष्टि का निर्माण कर सको। नहीं तो वही बच्चे माता पिता को खत्म करने में भी देर नहीं करते हैं। तो इसीलिए आज अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प ले कि हम अपने बच्चों को समय देंगे। मनुष्य पैसा तो दे देता है, धन दे देता है, लेकिन जब समय नहीं देता तो वो बच्चे भी कभी उनका सम्मान नहीं करते हैं। कई बार माँ बाप को ये सुनना पड़ता है बच्चों से, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो आज नवरात्र का पांचवा दिन हमें जागृत कर रहा है, हमें एहसास दिला रहा है कि मां का जो कर्तव्य है बच्चे को अच्छी दिशा में आगे बढ़ाने का, सुसंस्कारित करने का, उस जिम्मेवारी को भी हम बहुत अच्छे से निभाएं। तो चलो आज हम अपने परिवार के अंदर एक बहुत सुंदर वातावरण को निर्मित करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर भरते हैं, ताकि उन बच्चों को भी वो प्रकंपन महसूस हो, स्पर्श हो, और ये स्पर्श स्नेह का बहुत आवश्यक है। परमात्मा प्यार का सागर है, उस प्रेम के सागर परमात्मा से स्वयं को भी असीम स्नेह से भरते जाएं। और महसूस करे कि मैं स्नेह की देवी, स्नेह स्वरूप हूं। चारों ओर स्नेह के प्रकंपन को प्रवाहित होने देती हूं और घर के अंदर स्नेह का वातावरण भरते जाते हैं। ओम शांति शांति।